काव्या का आज का एपिसोड कैसा था? इमोशन से भरा हुआ, एडिटिंग बड़ी एक नंबर की है। डायलॉग्स को जिस तरीके से इन्होंने एडिट किया है, गजब। शॉट्स जिस तरीके से मर्ज किए, बहुत बढ़िया। सिवाय एक शॉट को छोड़ के मैं बताऊंगा कि कौन सा शॉट था। डायलॉग्स, स्टोरी, हर चीज आज के एपिसोड में पहले से काफी ज्यादा मुझे अमेजिंग लगी। और मैं एक बार बोलता आया हूँ, जो काव्या के डायरेक्टर्स हैं, काव्या के जो स्क्रीन प्ले लिखने वाले हैं और जो हर चीज को मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं अपने अपने जो उनके जो पर्टिकुलर वो होते हैं सेगमेंट्स में, वो काफी ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट करने पर ना बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर आपको याद होगा कि काव्या जब पेड़ से लटकी थी खाई में, तो कैसे कैमरा मतलब ऐसे घूमता हुआ एकदम से आके एकदम से सामने आया था आदि के ऊपर। कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था और पसंद आया था मुझे, और भी काफी लोगों को पसंद, जिस तरीके से कैमरा घूम कर गया था। ऐसी काफी सारे ऐसे शॉट्स हैं जो बहुत ज्यादा एक अमेजिंग तरीके से देखने को मिलते हैं, और वो सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होते हैं। आज भी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये दो लोगों के बीच में हुआ। मतलब वैसे बता रहा हूँ ग्रुप वाइज, एक तो हुआ एडिटर के, डायरेक्टर के, और दूसरा हुआ डायलॉग राइटर के। अब कैसे, अगर आपको याद हो तो हम देखते हैं कि काव्या की मम्मी, शुभ की मम्मी, आदि की मम्मी तीनों साथ में होती हैं अपने बच्चों के। यहां पर काव्या की मम्मी बोलती हैं कि तूने शुभ को माफ कर दिया। तुरंत हमें देखने को मिलती है शुभ की मम्मी की होती हैं, तूने उससे माफी क्यों मांगी, तू भूल गया उसने हमारी कितनी बेइज्जती की है। और ये सब बोल के बोलती हैं कि देख, एक बात मैं साफ साफ कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, आदि की साइड, सॉरी, एक गलतफहमी जो है वो मैं तेरी साफ कर देती हूँ। तुरंत जो कैमरा है वो घूम के जाता है आदि की साइड। तो वो यहाँ बोलता, कोई भी गलतफहमी नहीं है मम्मी, वो मेरे सामने आई और उसने मेरा नाम लिया, कोई गलतफहमी नहीं है इसमें। तब किस तरीके से इन्होंने इस चीज को मर्ज किया और किस तरीके से इन्होंने इस चीज को मतलब लिखा और एडिट किया। डायलॉग राइटर अगर ये नहीं करता तो यहाँ पे हमारे वीडियो एडिटर भाई साहब भी और डायरेक्टर भाई साहब भी इस चीज को नहीं कर पाते। तो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था डायलॉग राइटर का यहाँ पे। और जिस तरीके से डायलॉग राइटर ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो देख के भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि चलो इस तरीके का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और अगर इसी टाइप कुछ नए और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट वो करते रहेंगे तो आई एम डैम श्योर कि लोग इस शो को, कोई रीजन नहीं है कि वो मना कर दे देखने से। मतलब सीरियसली इतना ज्यादा अमेजिंग इस शो को ये लोग लेके जा सकते हैं क्रिएटिविटी के बेसिस पर। अगर इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी लोग घुसा दें, फॉर एग्जाम्पल कैमरा एंगल्स की, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे डायलॉग्स होते हैं उसमें और थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल दें, जो सीन्स कैप्चर करके उनको एडिट किया जाता है उसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी डाल दें, तो ये शो एक मतलब टीआरपी कैसी भी है, बट अगर क्रिएटिविटी के मामले की मैं बात करूँ तो ये शो एक अलग ही लेवल पे होगा इंडियन टेलीविजन में। और लोग अगर इस जो मतलब एक एक्चुअल में लोग होते हैं जो मतलब देखते हैं कि भाई वो क्रिएटिविटी को ज्यादा फोकस है, लोग देखते हैं अरे भाई इतना अच्छा किया, हाई कैमरा एंगल दे, ओहो भाई डायलॉग दे, जो इन सब चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं इस शो में इंस्टेड ऑफ स्टोरी, तो वो इस शो को देखे बिना पीछे हटेंगे ही नहीं। क्योंकि तो हॉलीवुड में दो चीजों का सबसे बड़ा एक तड़का लगता है किसी भी मूवी या वेब सीरीज को हिट कराने में, कैमरा एंगल, VFX। VFX तो वैसे इसमें है नहीं तो उसको इग्नोर करता हूँ। कैमरा एंगल, डायलॉग और जो बाकी वो चीज होगी उसकी क्रिएटिविटी, और दूसरी स्टोरी। स्टोरी शो की बहुत ज्यादा गजब जा रही है, बस क्रिएटिविटी को इन्होंने थोड़ा सा और इन्हेंस कर ले तो और मजा आएगा। क्योंकि यार एक्टिंग में किसी की कोई मतलब मैं नहीं कह सकता कि भाई 19-20 की भी कमी है, टॉप नॉच है सारे के सारे एक्टर। शुभ हो, आदि हो, काव्या हो, काव्या की मम्मी पापा हो, शुभ के मम्मी पापा हो, या फिर आदि के मम्मी पापा हो, सबके सब बिल्कुल एक नंबर के। और उसके बीच में जहाँ पर सपोर्टिंग हमें कास्ट देखने को मिले, फिर चाहे वो काव्या के टीम मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल से हमारे बिहार से जो एक लड़का है उसकी बात हो, दिल्ली वाली लड़की की बात हो, तो ये लोग भी जब जब इनकी मतलब बारी आती है, जब जब इनका एक शॉट आता है वो उसमें एस की तरीके काम करते हैं। क्या होता है जैसे वैसे, मतलब अगर जो है वो सीन बिना उनके 100 है तो उनके आने के बाद 120 130 हो जाता है, क्योंकि वो चीज और अच्छी लगने लग जाती है एक्टिंग के मामले में। और यही चीज है जो इस शो को लगातार मेंटेन करके रख रही है।
बाकी अब आने वाले एपिसोड में कहां से कहां होगा वो तो बात की बात है। अब स्टोरी की बात करें, कल मैंने आपको बताया था कि जो दो हमारे सब्सक्राइबर है श्रुति और जो जंगली जंगल, उन्होंने कुछ कहानी बताई थी, ठीक है। तो श्रुति ने आज कमेंट करके बताया कि वो जो कहानी है वो भाई हमने पहले पता चल चुकी थी, क्योंकि वो टीवी स्पॉट्स और बिहाइंड द सीन्स की जो वीडियोस लीक करते हैं सास बहू बेटी वाले, उन लोगों ने लीक कर दी थी। तो भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूँ कि उन्होंने स्टोरी बनाई थी, ठीक है, उन्होंने बनाई थी, उनको पता थी स्टोरी। बट जंगली सुम्बुल ने जिस तरीके से मतलब बात डाली कि हाँ भाई वो जो प्रधान जी हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं गिरिराज प्रधान, जो डर रहे हो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जो हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो कहानी सही थी, वो उनकी बनाई हुई थी और वो सच है। बस अब जो आने वाला एपिसोड है मैं उसको देखकर थोड़ा सा मतलब एक ये कह सकता हूँ कि जो मतलब मैं देखा उस आने वाले एपिसोड का, कि कहानी में इतना बड़ा और मेजर ट्विस्ट आया कि आदि के पास नव्या का जो भी मतलब लैब कोट था या जो भी चीज है वो सब कैसे है, सबसे बड़ा पॉइंट क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन, और मेकर्स इस चीज को कैसे किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनके पास इस चीज का जस्टिफिकेशन देने के लिए या इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई इतना बड़ा और मेजर पॉइंट होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसी चीज हुई है जिसको हम लोग देख के ये बोल सके कि नहीं भाई ये एक अलग सा चीज मतलब सीन देखने को मिला जो हो ही नहीं सकता। इस चीज को कर सकते हैं अगर चाहे तो राइटर्स, बट करेंगे कैसे ये देखना मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। प्लस आदि जब जाता है काव्या के घर में तो क्या वहां पर शुभ में मिलता है नहीं मिलता, वो भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि शुभ जिस तरीके से यहाँ पे मतलब चीजें लेके चल रहा है, उसने अपनी मम्मी और पापा के खिलाफ जाकर काव्या से माफी मांगी और काव्या के साथ है और काव्या के साथ खड़ा रहेगा, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि शुभ के फैमिली वाले थोड़े से अब मतलब कहते नहीं है कि भड़के हुए शुभ के ऊपर, बट उसने ऐसा क्यों किया, और अगर उनका शुभ के ऊपर भड़कना कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि काव्या जो है शुभ से थोड़ा सा अलग होगी और आदि के साइड थोड़ी सी और क्लोज होती चली जाएगी, क्योंकि एक फोटो भी आज सामने है जिसमें आदि बेयर बॉडी था और काव्या उसके साथ थी सामने। तो अब ये चीज मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये क्या आदि सोच रहा था आज के ही एपिसोड्स में, क्योंकि आज आदि भी बेयर बॉडी था, तो क्या आज के एपिसोड से रिलेटेड ये चीज हुई है उस ख्यालों में, तो उसको देखता है कि काव्या उसके सामने काव्या से वो बात करता है, या फिर ये किसी आने वाले एपिसोड में ये सब चीजें होने वाली है, ये चीज देखने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए सच में एक्साइटेड हैं या नहीं, और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी।